हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के आज एक पर्टिकुलर टाइप के मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जिनमें एंगल में एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी वगैरह होता है। तो ये कुछ चार क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या करना होता है हमें, डेनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस बी है तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसके एंगल में भी हमें साइन एक्स माइनस बी चाहिए। तो एक्स माइनस बी में हम माइनस बी और प्लस बी कर लेते हैं इस पर। तो पहले स्टेप समझ में आ गया होगा कि जो साइन का एंगल है वो हमें ऊपर बनाना होता है। अब हम इसको ए और इसको बी ले लेते हैं और साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, और डेनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं दोनों के नीचे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया एक टर्म, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, कोस बी माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स कोस बी माइनस ए प्लस साइन बी माइनस ए, ये कॉन्स्टेंट है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, और कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको इस तरह से एंगल ऊपर बनाना होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो उसमें देखो आपको ऐसा समझना है। पहला स्टेप आपको ये देखना है कि मैंने क्या बताया था कि जो साइन, एक मिनट, कि जो एंगल डेनोमिनेटर में है हमें वो एंगल ऊपर चाहिए होते हैं और वो भी साइन के साथ। तो साइन, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी, तो ऊपर कितना आएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x x कैंसिल होगा b माइनस ए, तो हम बाहर साइन b माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, इसलिए हमने ऊपर यहाँ पे माइनस लिया है। अगर हम यहाँ पे प्लस लेते तो x x कैंसिल नहीं होता, बस अब फॉर्मूला बन गया ऊपर, मतलब फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर। अब इसको हम ए और इसको बी ले ले तो क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, और डेनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर लेते हैं दोनों के नीचे अलग अलग। ठीक है, अब यहां पे देखो एक एक टर्म कट जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी में एक बार तो दोनों टर्म कट जाती है, एक बार एक भी नहीं कटती, इसलिए हमें पर साइन लगाना होता है ताकि इसमें ये कैंसिल हो गया और इसमें ये कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस टेन होता है,
और टेन का इंटीग्रेशन है माइनस लोग कोस एक्स, माइ सेक के टर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस लोग मैंने कोस लिख दिया ये, ठीक है। ऐसे ये भी साइन अपॉन कोस, तो इसका भी यही हो गया। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, वन अपॉन साइन डी माइनस ए लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एम माइनस लॉग एन, कोस ऑफ एक्स माइनस बी कोस ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी को, साइन बी माइनस ए से न्यूमरेटर और डेनोमेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और न्यूमरेटर में एंगल में ये वाले दोनों एंगल जो नीचे हैं वो हमें माइनस में लिखने होते हैं, ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कट के यही आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आप अपना आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन, इसमें एक साइन है और एक कोस है, तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों साइन या दोनों कोस, तो हमें साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, और अगर एक साइन है और एक कोस है, देखो अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, तो हम यहाँ पे कोस लेंगे और क्या लिखेंगे, यही वाले दोनों एंगल माइनस में लिख दो। तो अब डेनोमिनेटर में कितना आ गया बाहर, कोस बी माइनस ए, तो ये स्टेप आपको याद रखना है। फायदा क्या हुआ, फिर वही बात है, देखो अगर हम इसमें लगाते साइन तो हमारा एक बार मतलब दोनों कटते नहीं, दोनों में एक एक कटता नहीं, इस बार हमारा क्या होगा, देखो आप सभी कोस ए माइनस बी लगाएंगे, तो कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर हमने डेनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। अब आ गया होगा समझ में, यहां पे देखो ये कैंसल हो गया, इसमें ये कैंसल हो गया, तो कितना आ गया कोस अपॉन साइन, कोट होता है कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, माइनस साइन अपॉन कोस टेन, और टेन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस, तो ये हमारा प्लस होके कोस एक्स माइनस बी। यहाँ पे एक गलती हमने कर दी है, उसको सुधार लेते हैं, कि कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आता है, तो इस वजह से अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा माइनस। तो कितना आ गया आंसर, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पर्टिकुलर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए, मतलब तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एंगल अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो,
मान लीजिए देखो क्वेश्चन हमारा ये है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम्हें इसमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऊपर जो एंगल है उसमें प्लस ए करना पड़ेगा, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, और बस अब फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी अपॉन में ये। बस तो इसमें ये कैंसिल हो गया, तो आगे तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में चार क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको सभी को। ये चार क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।